हाय देयर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस में जो टॉप थीम्स हैं वो कौन कौन से हैं, और अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपको कौन सा थीम यूज़ करना चाहिए, और अगर आप एक अपनी कंपनी चलाना चाह रहे हैं या अपना कोई शॉपिंग स्टोर चलाना चाह रहे हैं तो फिर आपको कौन सा थीम यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं और आप अपनी क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो जो सबसे पहला थीम मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो होगा टीवी थीम। ये पेड थीम है। जिन जिन थीम्स के मतलब मैं बात करूंगा उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उनके पेज होम पेज पर जा सकें। तो लिस्ट में टॉप पे है दीवी थीम। अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए दीवी थीम एक बेस्ट ऑप्शन है। दीवी थीम क्यों बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि इसमें हमारे पास 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स के टेम्पलेट मौजूद हैं। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ दीवी थीम को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास दीवी थीम में प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं उनमें से कोई एक टेम्पलेट इम्पोर्ट करके वेबसाइट को कम्प्लीट कर लें। तो नंबर वन पे हमारे पास हो गया दीवी थीम। ये आपके लिए बेस्ट थीम है अगर आप वर्डप्रेस फ्रीलांसर या डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर आप एक एजेंसी चलाना चाहते हैं और आपकी मेन वेबसाइटें वर्डप्रेस में बनेगी। तो जो आपके पास मेन ऑप्शन है वो दीवी थीम है। सेकंड ऑप्शन भी इसी कैटेगरी में आता है कि अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं और क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो जो सेकंड थीम आएगा वो हमारे पास हो जाएगा अवादा थीम। अवादा थीम में हमारे पास 65 प्री बिल्ड वेबसाइट्स हैं। कंप्लीट फंक्शनल 65 वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट आ जाती है, एजेंसी पोर्टफोलियो वेबसाइट आ जाती है, उसके अलावा योगा ट्रेनिंग वेबसाइट आ जाती है और भी कई तरह की वेबसाइट्स आ जाती हैं। इसका डेमो वेबसाइट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो 65 प्री बिल्ड वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन सी है। आप सिंपल इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे इन डेमोज पे क्लिक करके देख सकते हैं कि जो आपके पास वेबसाइट्स अवेलेबल हैं वो किस किस कैटेगरी की वेबसाइट्स हैं और वो किस तरह, और जो हर एक वेबसाइट है उसका टेम्पलेट बहुत ही खूबसूरत और प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है। उसके बाद जो हमारे पास नंबर थ्री पे आता है वो है ब्रिज थीम। इस थीम में हमारे पास मोर देन 300 प्री बिल्ड डेमोज मौजूद हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये मोर देन 400 हो चुके हैं। मतलब इस आप एक थीम को बाई करेंगे और आपके पास मोर देन 400 प्री बिल्ड टेम्पलेट्स आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से टेम्पलेट है। आप यहाँ से किसी भी एक टेम्पलेट को ऑन करेंगे और आप देख सकते हैं कि अगर आप ये थीम इंस्टॉल करने के बाद इस डेमो को इंपोर्ट करते हैं तो इस तरह की एक कंप्लीट फंक्शनल साइट आपके पास मौजूद हो जाएगी। तो ये तीन थीम्स थे कि अगर आप एक वर्डप्रेस एजेंसी चलाना चाहते हैं या फिर आप एक वर्डप्रेस फ्रीलांसर हैं तो ये तीन थीम्स आपके लिए बेस्ट हैं। नंबर वन पे दीवी थीम, नंबर टू पे अवादा थीम और नंबर थ्री पे ब्रिज थीम। उसके बाद अगर आप अपनी एक शॉप ई कॉमर्स शॉप चलाना चाहते हैं, आप कोई भी किसी भी कैटेगरी की ई कॉमर्स शॉप चलाना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो जो थीम मैं आपको बाय करूंगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रो थीम। ये क्या है कि आपने अक्सर अगर आप एक डेवलपर हैं तो और आपका क्लाइंट आपको चाहता है कि मुझे अमेजोन लाइक वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए भी ये थीम बेस्ट सूटेड है। आप सिंपली इलेक्ट्रो थीम का ये डेमो देख सकते हैं कि ये वेबसाइट ऑलमोस्ट जो हमारे पास अमेजोन है उसकी तरह का ये आप देख सकते हैं कि एक टेम्पलेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइड मेन्यू है, टॉप मेन्यू है और जो प्रोडक्ट लिस्ट्स हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब कि ये कंप्लीट अमेजोन लाइक थीम है। तो अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो जो नंबर वन पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रो थीम। उसके बाद अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे यूडेमी की तरह की वेबसाइट चाहिए तो जो थीम मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो मास्टर स्टडी थीम है। इस थीम में हमारे पास मोर देन 12 टेम्पलेट्स मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूडेमी एफिलिएट, ये जो टेम्पलेट है ये यूडेमी का ऑलमोस्ट रेप्लिका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो हेडर मेन्यू है वो भी उसी तरह का सेम है। यहाँ पे सर्च मेन्यू और बिकम अ इंस्ट्रक्टर, मतलब कंप्लीट जो हमारे पास यूडेमी थी उसका ये रेप्लिका थीम है। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं,
उसके बाद जो आगे यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जब मैंने उस पर होवर किया है तो जिस तरह यूडेमी में हमारे पास आता है ये भी सेम है, और साथ में कंप्लीट हमारे पास कोर्स ऐड करना और जो भी मतलब जिस तरह का यूडेमी है उसी तरह का ये थीम है। तो अगर आपका क्लाइंट या आपको पर्सनली एक यूडेमी की तरह की वेबसाइट चाहिए तो जो थीम मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है एजुकेशन वर्डप्रेस थीम मास्टर स्टडी, ये थीम मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो ये थे टॉप 5 थीम्स जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो कि आपकी हर किस्म की कैटेगरी को कवर करते हैं। अगर आपको सिंपल एक आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो जो तीन थीम्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो नंबर 1 पे दीवी थीम है, नंबर 2 पे वादा थीम है और नंबर 3 पे ब्रिज थीम है। सभी थीम्स में और जितने थीम्स मैंने आपको रिकमेंड किए हैं उन सभी थीम्स में आगे फर्दर हमारे पास मोर देन 10 और मोर देन 100 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप इन फर्स्ट 3 थीम्स को एज अ वर्डप्रेस फ्रीलांसर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एक वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर चलाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इलेक्ट्रो थीम यूज़ करें, ये एक बेस्ट थीम है वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। और अगर आप यूडेमी टाइप वेबसाइट चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये एजुकेशन वर्डप्रेस थीम मास्टर स्टडी यूज़ करें। और बाकी जो कैटेगरीज रह गई हैं मतलब अगर आपको एक ब्लॉग वेबसाइट चाहिए तो वो सारी कैटेगरीज इन थीम्स में कवर हो रही हैं। मतलब ये पहले जो 3 थीम मैंने आपको रिकमेंड किए हैं उन तीनों थीम्स में बाकी सारी कैटेगरीज कवर होती हैं। अगर आपको एक कंपनी की प्रोफाइल वेबसाइट चाहिए तो अवादा थीम में भी प्रोफाइल वेबसाइट का टेम्पलेट मौजूद है, देवी थीम में भी प्रोफाइल वेबसाइट के मोर देन 1 टेम्पलेट मौजूद है, और ब्रिज थीम में भी मोर देन 10 टेम्पलेट मौजूद हैं एक कंपनी की प्रोफाइल वेबसाइट के लिए। और इसी तरह अगर आपको एक ब्लॉग वेबसाइट चाहिए तो इन तीनों थीम्स में ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए भी टेम्पलेट मौजूद है, और जिस तरह का भी आपको थीम चाहिए इन तीनों थीम्स में उसके लिए कोई ना कोई टेम्पलेट मौजूद है। तो ये हो गए हमारे टॉप 5 पेड थीम्स। उसके बाद अगर आप कोई फ्री थीम यूज़ करना चाहते हैं, आप पेड थीम यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाएं और उसमें अपीयरेंस के टैब में आ जाएं और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे जो भी हमारे पास फ्री थीम्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं, आप उनको प्रीव्यू कर सकते हैं और जो थीम आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि वर्डप्रेस में टॉप 5 थीम्स कौन से हैं, अलावा हमने देखा कि अगर आप कोई फ्री थीम यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, काइंडली वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।